हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को मैलास्योर जेल के बारे में बताऊंगा। इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना होता है, किन किन प्रॉब्लम्स में ये यूज़ होता है, कितने दिन में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, कितने दिनों तक आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्या इसके नुकसान देखने को मिलते हैं, साथ साथ हम ये भी जानेंगे क्या इसमें स्टेरॉइड होता है या नहीं होता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सको। और अगर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानना होता है तो आप एजे आयुर्वेद पे विजिट कर सकते हो। एजे आयुर्वेद चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट एजे आयुर्वेद चैनल के सारे वीडियो देख सकते हो। मैलास्योर स्किन लाइटनिंग जेल एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही चर्चित जेल है। यह डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा रिकमेंड किए जाने वाले जेलों में से एक है। यह एक 20 ग्राम की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस 20 ग्राम की पैकिंग का जो प्राइस है वो है 375 रुपये, यानी 375 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है टैलेंट इंडिया, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है कोजिक एसिड, नियासिनामाइड, मुलबेरी, अल्फा अर्बुतिन और भी कुछ चीज़ों को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। और ये जो जेल है आपको हर मेडिकल स्टोर पे तो मिल ही जाता है। अगर ना मिले तो आपको परेशान नहीं होना है, आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। जिन लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। उसे रिमूव करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, झाइयों को हटाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स के निशान हैं, उसे रिमूव करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और चेहरे को ब्राइटनिंग और लाइटनिंग बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो जेल है इसके बहुत ही अच्छे फायदे देखे जाते हैं स्किन के लिए, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना होता है। तो देखिए, इसे आपको करना यह है, रात में सोने से पहले चेहरे को अच्छे से वॉश करिए, वॉश करने के बाद सुखा लीजिए, सुखाने के बाद हल्के हाथ से इस जेल को चेहरे पर अप्लाई करिए, अप्लाई करने के बाद सो जाइए, सुबह उठकर अपने चेहरे को आप वॉश कर सकते हो। इस तरीके से कंटिन्यू इसे यूज़ करना होता है। रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट कितने दिन में देखने को मिलेगा, तो आपको 10 से 15 दिन में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। कब तक आप इस जेल को यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो आप हमेशा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसे 3 महीने तक यूज़ कर लेते हो तो आपके चेहरे की सारी प्रॉब्लम्स को ये ठीक कर देगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें स्टेरॉइड होता है। जी नहीं, इसमें स्टेरॉइड नहीं होता है। अगर इसके अंदर स्टेरॉइड होता तो ये ज़्यादा लंबे समय तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा स्किन को नुकसान पहुंचाता है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। जेल यूज़ करने के बाद अगर आपके चेहरे पे दाने निकलने लगे तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपके चेहरे पे खुजली होने लगे बहुत ज़्यादा, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर जलन होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये जेल सूट ना हो तो आप इसे रोक दीजिए और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। कोई भी क्रीम या जेल यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।